हाय स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के, वर्ब के क्वेश्चन जो कि कॉमन एरर से रिलेटेड हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है ये, ही कंप्लेंट टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टोलन एंड दैट ही वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी। तो यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन के मैंने चार पार्ट किए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है, मतलब ही कंप्लेन टू द पुलिस, यहाँ गलती है, तो आपका आंसर ए है। अगर आपको लगता है दैट हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन, यहाँ गलती है, तो आपका उत्तर बी है। और अगर आपको लगता है एंड दैट ही वॉज लिफ्टेड, तो आपका उत्तर सी है। और विदाउट एनी मनी यहाँ है, तो आपका उत्तर डी है। और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा, नो एरर। तो स्टूडेंट्स सोचिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि इसमें क्या एरर हो सकती है। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ही कंप्लेन टू द पुलिस, उसने कंप्लेंट की पुलिस में दैट हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन, उसका ब्रीफ केस यानी कि सूट केस जो होता है वो चोरी हो चुका है, दैट ही वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी। तो यहां पर ये जो लिफ्टेड है ना, ये बिल्कुल सही है, लिफ्टेड का ही प्रयोग होना चाहिए था। अगर यहां पर लिफ्ट लिखता या लेफ्ट लिखता, तो लेफ्ट के बदले यहां पर लिफ्टेड का प्रयोग होता है। मतलब अगर यहां पर लिफ्ट लिखता जब, तो गलत होता, यहां पर लिफ्टेड लिखा है जो कि सही है। और क्यों लिफ्टेड लिखा है, देखो यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है और यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। लिफ्ट का अर्थ जो है वो, उसका अर्थ होता है क्या करना, लिफ्ट एक तो होता है किसी को गाड़ी वगैरह की लिफ्ट देते हैं अपने, वो उसको बोलते हैं उठाना। और लेफ्ट का अर्थ होता है, लीव का अर्थ होता है छोड़ना। बट यहां पर जो है लिफ्ट का सेकंड फॉर्म लिफ्टेड है, जिसका अर्थ होगा उठाना। और यहां पर सही है ये लिफ्टेड का प्रयोग, इस सेंटेंस में किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं है। अगर यहां पर लिफ्टेड की जगह लिफ्ट लगा होता, लिफ्ट लिखा होता या लीव लिखा होता, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। और इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ई, यहां पर ये सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि बीइंग अ रेनी डे ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या एरर है, यहां पर ये क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ये पार्टिसिपल से रिलेटेड है। एक्चुअली जो पार्टिसिपल है उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, और पार्टिसिपल जो है वर्ब का ही एक पार्ट है। और पार्टिसिपल जो होते हैं ये तीन होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को कहते हैं, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहां पर ये जो बीइंग है ये पार्टिसिपल है, कौन सा पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी फॉर्म का आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। अब इस सेंटेंस में लेकिन एरर पूछ रहा है, तो वो क्या है, तो बीइंग अ रेनी डे ही डिसाइडेड टू स्टे होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। बारिश का दिन होने के कारण उसने घर पर रहना डिसाइड किया और प्रॉब्लम पर आगे कार्य करना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको क्या एरर नजर आती है, वर्ब नाम का टॉपिक आपने पढ़ा है, उस आधार पर आपको बताना है। सोचिए यहां पर क्या एरर हो सकती है। देखिए क्या एरर होगी इसमें, और आप मेरे को बताएं, अपनी तरफ से सब अपना आंसर लिखेंगे।
क्या एरर होगी? ठीक है, तो यहां पर देखो एरर क्या है, देखो यहां पर बीइंग आ रहा है, बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जब भी रूल क्या है इस सेंटेंस का, रूल की बात करें कि इसमें एरर क्या है, एरर तो ए पार्ट में है। क्या एरर है? जब भी किसी सेंटेंस में बीइंग आ जाए, बीइंग, और बीइंग के बाद यहां पर आ जाए अ रेनी डे आ जाए, या फिर आ जाए अ हॉट डे, या फिर आ जाए आ कोल्ड डे, ऐसा कुछ भी आ जाए बीइंग के बाद, तो स्टूडेंट्स बीइंग से पहले इट का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? इट का। और इस सेंटेंस में देखो इट का प्रयोग है नहीं, यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए था? इट का। तो यहां पर इट का प्रयोग नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में एरर है ए पार्ट में। और रूल क्या है? रूल ये वाला है कि अगर किसी सेंटेंस में बीइंग है और बीइंग से पहले रेनी डे, हॉट डे, कोल्ड डे है, तो ऐसे सेंटेंस में बीइंग से पहले इट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब अगला सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस, आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लेंड टू मी, नो एरर। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या एरर हो सकती है। यहां पर जो है मिस्टेक यहां हो सकती है लेन, लेन, लेन का अर्थ क्या है, लेन का अर्थ क्या है और इसके स्थान पर क्या होगा? लेन स्टूडेंट होता है लेटना, लाई होता है ना, उसी की फॉर्म है ये लेटना। जबकि यहां पर लेटना शब्द का अर्थ नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लेट टू मी, झूठ बोलना। यहां पर अर्थ आना चाहिए था झूठ बोलने का, और झूठ बोलना क्या होता है आपको पता है? लाई, लाई माने होता है झूठ बोलना। तो इसी की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग यहां पर होना चाहिए था। तो यहां पर जो लेन है इसके बदले क्या लिखा हो जाना चाहिए था? इसके बदले होना चाहिए था लाइट, ये होना चाहिए था, लेन नहीं, लेन तो लेट ना होता है, ले लाई की जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज है यहां पर, तो इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए थी, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। तो यहां पर लाइट का प्रयोग होना चाहिए, लाई की जो थर्ड फॉर्म है वो लाइट होगा, लेन लेटने वाली फॉर्म होती है, लाई लेटना भी होता है, उसी की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम लेन कहते हैं। तो यहां पर ये वाला लेन का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर एल आई ई डी लाइट का प्रयोग किया जाएगा ताकि ये सेंटेंस सही हो। तो इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हुई? सी में। इसलिए यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? सी। और ऊपर वाले सेंटेंस में, सेकेंड वाले में आंसर हमारा क्या था? यहां पर था हमारा आंसर ए, क्योंकि ए पार्ट में एरर थी, और इस वाले में कोई गलती नहीं थी, तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा? ई। यहां पर ये इसका ए पार्ट था, ये इसका बी पार्ट था, ये इसका सी पार्ट था, ये डी पार्ट था, और इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हमारा आंसर ई था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है कि टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लोट ऑफ वर्क। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या एरर हो सकती है। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स वर्ब से ही है, हम जितने भी यहां पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब वर्ब से हैं और कॉमन एरर के क्वेश्चन हैं। तो यहां पर देखिए क्या गलती हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको एरर मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि यहां पर टेकिंग का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर प्रयोग होगा हैविंग टेकन टी, हैविंग टेकन टी,
टेकन टी तो है ही यहां पर, टेकिंग का प्रयोग नहीं होगा, हैविंग टेकन टी, यानी कि इस सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है तो हमारा आंसर यहां पर ए होगा। बट ए में एरर क्यों है, क्या एरर है? देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल तीन होते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रखा था, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, यहां तो परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए था, जैसा कि अब मैंने किया है। बट मेरे को कैसे पता चला कि यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा? क्योंकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग कहते हैं, इसका प्रयोग तो तब होता है जैसे ये कहे चाय पीना और ऑफिस जाना, दो काम हो रहे हैं यहां पर। अगर दोनों कामों के बीच में समय ना लगे, टाइम गैप ना हो, समय ना लगे, तब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए। और जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग कब होता है? जब दो कार्यों के बीच में समय लगे, टाइम गैप हो। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें कि चाय पीना और ऑफिस जाना, इन दोनों कामों के बीच में समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए यहां पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, टेकिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखिए, आर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो इन आर कंट्री एंड नो एरर। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन और आंसर बताओ। देखिए स्टूडेंट्स क्या गलती होगी इसमें, आराम से एक बार आपको पढ़ो इस क्वेश्चन को और फिर बताओ क्या एरर होगी। आर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो इन आर कंट्री। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पर जो गलती है ना, वो ये टू का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हुई, इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर हुई। टू का प्रयोग क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि टू का प्रयोग लेट के बाद, लेट के बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं कि लेट मी टू गो होम, लेट मी टू गो होम, तो ये गलत सेंटेंस है, मतलब यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा, ये होना चाहिए लेट मी गो होम, इतना ही होना चाहिए। तो यहां पर लेट का प्रयोग हो रहा है तो यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये इस सेंटेंस के पार्ट में एरर थी। रूल क्या था, लेट के बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स ये पांच क्वेश्चन हैं एरर के, और भी क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज मेड ए प्लेन प्लान विथ अ व्यू टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर्स। यहां पर ये क्वेश्चन है कि पीएम मोदी हैज मेड ए प्लान विथ अ व्यू टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर्स। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ इसमें क्या एरर हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या आंसर हो सकता है, और वर्ब से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, वर्ब टॉपिक आपको मैंने पढ़ा दिया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सोच समझकर एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन की भी एरर की बात करें तो देखो यहां पर आ रहा है विथ अ व्यू टू, और विथ अ व्यू टू आता है तो आगे जो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है ये गलत है। यहां पर तो जीरंड आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, जीरंड आनी चाहिए। और जीरंड बोलते किसको स्टूडेंट्स, जीरंड बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को। तो इसका मतलब यहां पर जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए था,
यहां पर इंप्रूविंग होना चाहिए था, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंप्रूव। और हमें कैसे पता चला, हमें इस विथ अ व्यू टू से फ्रेज दे रखे, इससे पता चला कि विथ अ व्यू टू के बाद हमेशा जीरंड का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है। और किस किस के साथ ऐसा किया जा सकता है, जैसे अगर किसी सेंटेंस में विथ अ व्यू टू, एक तो ये हो, या फिर टेकन टू ये हो, या फिर लुक फॉरवर्डेड टू ये हो, या फिर एडिक्टेड टू। अगर ये सारी चीजें हैं, अगर अपने को किसी सेंटेंस में ये दिखते हैं, तो अपने को इनके बाद किसका प्रयोग करना चाहिए, जीरंड का प्रयोग करना चाहिए। और जीरंड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसलिए यहां पर इंप्रूव नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए, इंप्रूविंग का, यहां पर इंप्रूविंग होना चाहिए, इंप्रूव नहीं होगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। मैंने यहाँ पर विथ अ व्यू टू लिखा है, तो ये सारे चीजें, चाहे एडिक्टेड टू हो, टेकन टू हो, लुक फॉरवर्डेड टू हो, इन सब का अपने को ध्यान रखना है, इनके बाद जीरंड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए कि आई एम सॉरी फॉर कॉल यू सो अर्ली। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है, वर्ब से रिलेटेड गलती होगी, होगी तो कोई नहीं है तो क्या पता ना भी हो, नहीं है तो आपका आंसर नो एरर है, अगर है गलती तो किस पार्ट में है वो आपको बताना है। इस छठे क्वेश्चन की बात करें, तो इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि यहां पर बी पार्ट में एरर थी। तो जिस पार्ट में एरर होती है, बी नहीं सॉरी सी पार्ट में एरर है, यहां पर सी पार्ट में है, यहां पर आंसर होगा सी, क्योंकि ये सी पार्ट है, देख लो यहां से लेकर यहां तक ये सी पार्ट है, तो ये सी पार्ट में एरर थी। सातवें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और एरर बताओ। आई एम सॉरी फॉर कॉल यू सो अर्ली। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर गलती ये है कि यहां पर ये कॉल नहीं आएगा और इसकी जगह क्या आएगा, कॉलिंग, इसकी जगह आएगा कॉलिंग। क्यों, क्योंकि यहां पर है आई एम सॉरी फॉर, फॉर प्रीपोजिशन है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब का प्रयोग होगा वो किस रूप में होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के रूप में होगा, इट मींस जीरंड के रूप में होगा, और जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही होती है। तो यहां पर फोर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो आईएनजी के रूप में आती है, इसलिए यहां पर कॉल नहीं होगा, क्या होगा, कॉलिंग। तो सही सेंटेंस क्या है, आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग यू सो अर्ली। ओके, एट्थ क्वेश्चन देखिए, अब आप पहले आपको देखना है, यू हैड बेटर टू स्पीक इंग्लिश देन हिंदी इन दिस क्लास। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, अच्छा सेवंथ की बात करें कि आंसर क्या है यहां पर, तो स्टूडेंट्स यहां पर आंसर सी है, इसमें भी आंसर सी है क्योंकि सी पार्ट में यहां पर एरर है। अब आप एट्थ नंबर क्वेश्चन को देखो और सोचो क्या एरर है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और एरर को फाइंड आउट कीजिए। सिर्फ एक ही टॉपिक के क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे वर्ब टॉपिक के क्वेश्चन हैं ये, कोई और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ब से रिलेटेड ये एरर के क्वेश्चन है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम आज। तो स्टूडेंट्स देखो, यहां पर अगर हम देखें कि गलती क्या है, यू हैड बेटर टू स्पीक इंग्लिश, तो यहां पर स्टूडेंट्स टू का प्रयोग नहीं होगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर हैड बेटर है, तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर हैड बेटर दे रखा होता है, हैड बेटर हो या सेंटेंस में आपको मिले वुड रेदर, हैड बेटर वुड रेदर या बट या
लेट या एक्सेप्ट, इस टाइप के जो वर्ड आपको मिलते हैं तो इनके बाद सेंटेंस में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर आपने इसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है जो कि गलत है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। इसका मतलब इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गई, इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर हुई, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, बी। तो यहां पर कुल मिला के गलती ये है कि यू हैड बेटर टू स्पीक इंग्लिश देन हिंदी इन दिस क्लास की जगह क्या होना चाहिए, यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश, ओनली स्पीक आना चाहिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये किस किस के साथ होगा, हैड बेटर हो, वुड रेदर हो, बट हो, लेट हो या एक्सेप्ट, इनके साथ ऐसा होगा। ओके, लेकिन अगर अपने एक विशेष रूल की ओर बात करें तो बट के साथ दो कंडीशन होती हैं कि बट से पहले अगर यहाँ पर डू या डज या डिड होता है बट से पहले, तो इसके बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और बट से पहले अगर ये वाली चीज ना हो, यानी कि डू डज और डिड ना हो, अदर कोई वर्ब हो, अदर वर्ब हो, फिर बट के बाद आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। ये एक रूल है जो कि बट के लिए है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन ये है कि ही डज नथिंग बट टू अर्न मनी। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बट से पहले क्या आ रहा है, डज, तो बट के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर इस डज के स्थान पर कुछ और होता, जैसे ये सेंटेंस ऐसे होता, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू अर्न मनी, अगर ऐसे लिखा जाता तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सही था। क्यों? क्योंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि डू डज और डिड नहीं है, यहां पर वॉन्ट्स अदर कोई मेन वर्ब है। तो ये बट के संबंध में आपको रूल याद रखना है कि बट से पहले डू डज और डिड होगा तो बट के बाद फर्स्ट फॉर्म, और बट से पहले अदर कोई मेन वर्ब होगी तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। It is no good weeping for departed soul. Departed, यहां पर है departed. It is no good weeping for departed souls. यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी बात नहीं है कि जो लोग मर चुके हैं उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए क्या एरर हो सकती है, आप अपना दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। बट रूल क्या है, रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में इट इज नो गुड या ऐसे लिखा हो इट इज नो यूज, तब ऐसे सेंटेंस में इनके बाद वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होना चाहिए, जो कि हो रहा है। देखो इट इज नो गुड और उसके बाद जेरंड का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। फिर लास्ट 10वें क्वेश्चन जो कि कॉमन एरर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि वी कैन नॉट प्रिवेंट हिम वेस्ट हिज मनी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10th को देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसमें क्या एरर हो सकता है आपको बताना है। वी कैन नॉट प्रिवेंट हिम वेस्ट हिज मनी, हम उसको नहीं रोक सकते उसका पैसा बर्बाद करने से। अगर कोई अपना पैसा बर्बाद करता है तो हम उसको नहीं रोक सकते। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर क्या एरर होगी, तो यहां पर हिम
जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद के प्रोनाउन के बाद वर्ब जो होती है वो जीरंड के रूप में होती है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, वेस्टिंग। वी कैन नॉट परमेंट हिम वेस्टिंग हिज मनी। हिम जैसे ही की बात करें तो ही सब्जेक्टिव होता है, हिम ऑब्जेक्टिव होता है, और हिज जो होता है ये पजेसिव होता है। तो पजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है तो उसके बाद जीरंड का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसलिए वी कैन नॉट प्रिवेंट हिम वेस्टिंग हिज मनी। तो यहां पर वेस्ट का प्रयोग नहीं होगा, वेस्टिंग का प्रयोग होगा। तो आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर होगा सी। इस वाले ऊपर वाले नौवे क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, इसमें सही है, तो आंसर यहां पर नो एरर है, डी है। तो ये अगर पीछे थोड़ा सा चले हम स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने देखो पहला क्वेश्चन देखा था कि ही कंप्लेंट टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टोलन एंड दैट ही वाज लिफ्टेड। तो लिफ्टेड, लिफ्ट उठाना होता है, लिफ्टेड उसकी सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहां पर सही है वर्ब का प्रयोग। दूसरे क्वेश्चन को हमने देखा बीइंग ए रेनी डे, तो जब भी रेनी डे, हॉट डे, कोल्ड डे होता है उससे पहले बीइंग होता है, तो बीइंग से पहले इट का प्रयोग किया जाता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन है आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रिस्पॉन्सिबल मैन लाइक यू हैज लेन टू मी। लेन जो होता है वो लेटने वाला जो लाई होता है उसकी थर्ड फॉर्म है, जबकि जो झूठ बोलना है उसकी थर्ड फॉर्म लाइड होती है, LIED। तो यहां पर झूठ बोलने की बात हो रही है तो लाइड आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर टेकिंग नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस जाना चाहे बिना ये दो कार्य है, तो दोनों कार्यों के बीच में जब समय ना लगे तब तो जीरंड का प्रयोग होता है, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, यानी कि टेकिंग सही था, लेकिन इन दोनों कार्यों में समय लग रहा है चाहे बिना ऑफिस जाना, तब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए, तो हैविंग टेकन आएगा। और फिर इस पांचवें क्वेश्चन की बात करें आर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो आर कंट्री। तो लेट के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए इसके सी पार्ट में एरर थी कि टू का प्रयोग नहीं होगा। फिर ये क्वेश्चन जो अगले क्वेश्चन है अभी हमने ये देखे, ये सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। आइए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स से है और वर्ब के नाम के टॉपिक से ही रिलेटेड है। चलिए देखिए आगे, अब फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स। यहां पर जो मॉडल्स आपको बता दूं, जो मॉडल्स वर्ब्स होती हैं वो भी वर्ब से ही रिलेटेड है, मॉडल भी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स, तो स्टूडेंट्स शुड, मे, वुड, माइट क्या आनी चाहिए। इन मॉडल में से करेक्ट मॉडल को ढूंढिए कि चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स, शुड, मे, कुड या माइट। तो स्टूडेंट्स यहां पर सही आंसर है ए, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, क्योंकि शुड का प्रयोग जो होता है वो सजेशन के लिए होता है, सजेशन के लिए शुड का प्रयोग होता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स सजेशन जो होती है उसके लिए तीन मॉडल होते हैं, जो भी सजेशन होती है जिसको हम सलाह कहते हैं, ये सलाह तीन टाइप की होती है। एक तो जो सलाह होती है वो मॉरल ड्यूटी की होती है, जैसा कि वर्ब के इस टॉपिक में आपने पढ़ा था, एक मॉरल ड्यूटी की होती है, और एक सलाह जो होती है वो कॉमन ड्यूटी से रिलेटेड होती है, एक सलाह जो होती है वो लीगल ड्यूटी से रिलेटेड होती है। जो मॉरल ड्यूटी से सलाह होती है रिलेटेड, उसके लिए तो हम मॉडल ओट टू का यूज करते हैं, और जो कॉमन ड्यूटी से रिलेटेड होती है उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, मतलब सामान्य सलाह। और एक लीगल ड्यूटी की सलाह भी होती है, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मॉरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य जो है, उसके लिए हम ओट टू का प्रयोग करते हैं। और जो सामान्य सलाह होती है, जैसे कि सच बोलो, माता पिता की, सच बोलो, झूठ मत बोलो, कड़ी मेहनत करो, ये सामान्य सलाह होती है।
बाकी जो माता पिता की रिस्पेक्ट करना ये मॉरल ड्यूटी के तहत आता है, बट यहाँ पर मॉरल ड्यूटी से रिलेटेड जो मॉडल था ओ टू वो है नहीं, और जब ओ टू नहीं होता है तो फिर शुड का प्रयोग भी मॉरल ड्यूटी के लिए कर सकते हैं अपने, ठीक है। कॉमन ड्यूटी की सलाह क्या है, सच बोलो मेहनत करो इस टाइप की। लीगल ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जिस ड्यूटी को हम अगर पालन नहीं करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिल सकता है, तो उस ड्यूटी को हम, उस ड्यूटी के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपने कहते हैं रोड के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो इस ड्यूटी को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, तो इसके लिए तो मस्ट आता है, इसलिए हम कहते हैं यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, वहां पर तो मस्ट का प्रयोग होगा। यहां पर एक्चुअली जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना है, आज्ञा का पालन करना है, ये है तो मॉरल ड्यूटी, आना तो चाहिए था ओट टू, बट ओट टू नहीं होता है ऑप्शन में तो शुड भी सही होता है, इसलिए यहां पर शुड का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज एक्सपर्ट इन टीच इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश या ऑल ऑफ दीज। तो आप सही आंसर को चुनो पहले, फिर मैं बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स क्या सही आंसर होगा, माई ब्रदर इज एक्सपर्ट इन टीच इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश या ऑल ऑफ दीज। देखिए यहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन जब आता है सेंटेंस में, जब भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो उसके बाद जो वर्ब होती है वो किस रूप में होती है, जीरंड रूप में होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होगा, तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, टीचिंग इंग्लिश। सही आंसर क्या है, माय ब्रदर इज एक्सपर्ट इन टीचिंग इंग्लिश, तो ये टीच इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश ये नहीं होगा, क्योंकि इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जीरंड के रूप में होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को ही हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि यू शुड अवॉइड अ लाई, इसको छोटा ए लिखना है, यू शुड अवॉइड अ लाई, यानी कि कह रहा है तुम्हें झूठ बोलने से बचना है, तुम्हें झूठ बोलने से बचना चाहिए, तो टेलिंग ए लाई होगा या टेल ए लाई होगा या टेल्स ए लाई होगा या टोल्ड अ लाई होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है जो है अवॉइड, तो अगर किसी सेंटेंस में अवॉइड वर्ड दिखे या पोस्टपोन या पोस्टपोन या व्हाट या डिसलाइक डिसलाइक या डिनाई जिसका अर्थ होता है इनकार करना या इट इज नो गुड इट इज नो यूज इस टाइप का या प्रेफर वगैरह, तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो अवॉइड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, इट मींस यहां पर आंसर क्या होगा ए। तो यहां पर आंसर क्या है ए, ऊपर वाले में आंसर क्या था, इसमें आंसर था सी, और इसमें आंसर क्या था, इसमें आंसर था ए। अब इस क्वेश्चन को देखो, फोर्थ क्वेश्चन को, यू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, यहां पर मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई लीगल ड्यूटी की बात हो तो फिर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, मस्ट मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, तो यहां पर निश्चित रूप से क्या आएगा, मस्ट, तो यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, क्योंकि जो यहां पर लीगल ड्यूटी की बात हो रही है, लीगल ड्यूटी से संबंधित सलाह या सजेशन दी जा रही है, तो ऐसी सजेशन के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, मस्ट का, तो निश्चित रूप से यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर ए, आंसर ए हो गया। फिर अगले क्वेश्चन को देखिए आप, अगला क्वेश्चन है दिस कोर्स इज वर्थ डूइंग, डू, डज या डिड, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए यहां। देखो स्टूडेंट्स ऊपर मैंने आपको बताया था अभी यहाँ की अवॉइड पोस्टपोन वर्थ डिसलाइक डिनाई इनके बाद, तो यहाँ पर ये रहा वर्थ, वर्थ वर्ड आ रहा है, ये रहा वर्थ जिसका अर्थ होता है जिसे ज्यादा पसंद किया जाता है उसको वर्थ कहा जाता है, तो इसके बाद किसका प्रयोग होना चाहिए, जीरंड का प्रयोग होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या डूइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो यहाँ है, तो फिर आंसर यहाँ पर क्या हुआ, आंसर ए।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि सर यहाँ पर हमें ये डाउट है, ताकि आपके उस डाउट को क्लियर किया जाए। पीछे हमने एरर के क्वेश्चन देखे, ये 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के, आगे कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन अभी करेंगे हम, ताकि आपके कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएं और फिल इन द ब्लैंक से भी वर्ब नाम के इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको कर सकें। फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं और एरर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन है, वी लव आर कंट्री, शुड मस्ट माइट या कैन, यहां पर आपको देखना है सही आंसर क्या होगा। वी शुड लव आर कंट्री या वी मस्ट लव आर कंट्री, वी माइट लव आर कंट्री या वी कैन लव आर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो शुड मस्ट माइट या कैन किसका प्रयोग होगा वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, यहां पर शुड का ही प्रयोग होगा, क्योंकि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और चाहिए का अर्थ देता है शुड, इसलिए यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, कैंडिडेट आंसर ऑल दी क्वेश्चंस, कैंडिडेट को सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, तो यहां पर क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। कैंडिडेट आंसर ऑल दी क्वेश्चन, कैंडिडेट को सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट माइट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। जब भी आप कोई एग्जाम देते हो तो ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं वहां पर ये लाइन अक्सर देखने को मिलती है। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए कि यहां पर होना चाहिए मस्ट, ऐसा नहीं लिखा जाता है कि प्रश्नों के सभी कैंडिडेट्स को सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, बट ये लिखा होता है कि कैंडिडेट्स को सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये मस्ट है। तो फिर इसलिए यहां पर आंसर क्या बनता है, मस्ट, और इसका मतलब आंसर बनता है बी। अगला क्वेश्चन है, द टीचर बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, तो टीचर शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, टीचर मस्ट बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, या टीचर माइट बी ऑनेस्ट इन डीलिंग, या कैन, क्या होगा सोचिए जरा। सोचिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या आंसर होना चाहिए। टीचर शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, टीचर मस्ट बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, या टीचर माइट बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, या कैन। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल यहां पर आंसर होगा ए, टीचर को अपने डीलिंग में ऑनेस्ट होना चाहिए, यहां पर चाहिए का आंसर था, इसलिए आंसर यहां पर क्या होगा ए। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, वी टू हेल्प द हेल्पलेस, वुड शुड मस्ट और टू, यहां पर इस और टू का टू हटा दीजिए, क्या आंसर होगा भाई। वी ये कह रहा है वी हेल्प द हेल्पलेस, हमें असहायों की सहायता करनी चाहिए, मजबूरों की सहायता करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। और आपको भी मैंने पीछे बताया था कि जब बात नैतिक कर्तव्य की हो, यानी कि बात मौलिक मॉरल ड्यूटी की हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका प्रयोग करना होता है, हमें ought का प्रयोग करना होता है। अब to तो यहां पर लगा ही हुआ है तो हमें ought का प्रयोग करना है, तो आंसर यहां पर क्या बनेगा D, यहां पर आंसर होगा D। इसी तरह दसवां क्वेश्चन है, he said that he do the work, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है आंसर होगा वुड, वुड, क्योंकि वुड प्लस, जब भी पहले सेकंड फॉर्म होती है तो अगले पार्ट में किसका प्रयोग होता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहां पर ये सेड जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म में अगले पार्ट में वुड, इसको डू को छोटा करना है, डी को, डू द वर्क, तो यहां पर वुड का ही प्रयोग होगा।
तो स्टूडेंट्स ये वर्ब से रिलेटेड कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, और आप के जो वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इस क्लास में कवर होते हैं। आगे अगले नए टॉपिक की बात करेंगे हम कल की क्लास में। अगली क्लास में हम जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, उससे रिलेटेड कॉमन एरर और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन करेंगे। और इनमें से कोई से भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो आप कमेंट कीजिए, आपके उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। नमस्कार।